गाइस आज मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो लाई हूँ। गाइस यहाँ पे वीर है तारक मेहता और पोपटलाल सोरा पी के गोकुल धाम की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में बबीता जी मिलती हैं। तो वो सब पूछते हैं, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? तो बबीता जी कहती हैं, मैं अय्यर के किसी काम से आई रहती हैं। तो वो सारे मिल के गोकुल धाम की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही वो गोकुल धाम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं क्या कि गोकुल धाम में तो बिजली ही नहीं है। तो वो सब बिना कुछ सोचे सोचते हैं कि चलो जब तक बिजली नहीं है हम सब अपने घर चले जाते हैं और आराम करते हैं। तो गाइस जब बबीता अपने घर आती है तो वो सोचती है जब तक बिजली नहीं है तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही बिजली आती है तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसे किसी ने किस किया, और वो जल्दी से जाके उन चारों जेठालाल तारक मेहता बीड़े और पोपटलाल को बुला लेती क्योंकि उन्हें उन पर शक होता है। तो जेठालाल कहता है ये काम मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं तो उस समय बापूजी के साथ बैठ के अच्छी अच्छी अपने बचपन की कहानियाँ सुन रहा था और बातें कर रहा था। और फिर तारक मेहता नहीं पोपटलाल बोलता है कि मैंने भी ये नहीं किया क्योंकि मैं तो सीधे घर जाते ही सोफे पे आराम से सो गया था। और फिर तारक मेहता बोलता है कि नहीं ये काम मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैं सीधे घर जाके किताबें पढ़ने लगा था, उसमें अच्छी अच्छी कविताएं। और फिर बीड़े बोलता है कि नहीं ये काम मैंने भी नहीं किया है क्योंकि मैं सीधे घर जाके माधवी का काम में हाथ बटाने लगा और अचार पापड़ बिलवाने लगा था। फिर बबीता उन सबकी बातों को ध्यान से सुनती है और उसे पता लग जाता है कि असली चोर कौन है। तो क्या आपको पता लगा कि असली चोर कौन है? अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को थोड़े देर का समय देती हूँ। आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। तो गाइस 5 4 3 2 1 गाइस आपका समय ख़त्म है। तो अगर मैं बताऊँ तो बबीता को पता चल गया असली चोर जेठालाल है क्योंकि उसकी घड़ी जो उसने पहना था वो बबीता जी के रूम में गिरी थी और वही उनके रूम में गया था। और बबीता जी जल्दी से पुलिस को कॉल करती हैं और पुलिस जेठालाल को पकड़ के लेते जाता है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइज़।